ईडी ने आम आदमी पार्टी के विदेश फंड को लेकर खुलासा करते हुए कहा है कि अमेरिका, कनाडा और अरब देशों से आपको करोड़ों की फंडिंग मिली है, जिसे लेकर हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि आपके संबंध अगर आतंकवादियों से हैं तो उसे अच्छी तरह से चेक किया जा रहा है, एजेंसियां उस काम में लगी हुई हैं, ऐसे व्यक्ति को देश माफ नहीं कर सकता। ये अगर ऐसा हुआ है जो कि कई बार दावा किया गया है और आतंकवादियों से ये अगर इनके रिश्ते हैं तो वो तो अच्छी तरह से चेक किए जाएंगे, एजेंसियां कर रही होंगी, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को ये देश माफ नहीं कर सकता। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने एक संबोधन के दौरान कहा था कि पीएम ने ऑपरेशन झाड़ू चालू किया है, जिसमें आप नेताओं का बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा, जिस पर तंज कसते हुए हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि देश में अफवाह फैलाना आप पार्टी और अरविंद केजरीवाल का काम है। पार्लियामेंट जुडिशरी पर ये लोग विश्वास नहीं करते, इन्होंने अपने नियम बना रखे हैं, जो ये कहेंगे वही सही है। पहले ये जो कहते थे अब सत्ता में आकर वे लोग उसका उल्टा करते हैं। देश में अफवाह फैलाना या आप पार्टी और केजरीवाल का काम है, कानून अपना काम करता है, लेकिन इनका तो पार्लियामेंट में, जुडिशरी में, प्रजातंत्र में इनका तो विश्वास है नहीं। इन्होंने तो अपने नियम बना रखे हैं कि हमारे नियम ठीक हैं, बाकी जो हैं वो सारे गलत हैं। इसीलिए ये जो कुछ कहते थे और अब सत्ता में आने के बाद उसके उलट करते हैं, और फिर जो करता है वो भरता है, फिर रोना नहीं चाहिए। वहीं हरियाणा के पूर्व मंत्री अनिल विज ने मंडी से कांग्रेस लोकसभा प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह के उस बयान की निंदा की। उन्होंने कहा कि जिन मंदिरों में कंगना जा रही है उनकी सफाई करवाना जरूरी है। इस पर विज ने कहा कि हमने तो मंदिर सबके लिए बनवाए हैं, मंदिर भगवान का घर है, और अगर कोई ऐसी बात करता है तो उसके खिलाफ कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए। ये निंदनीय है, हमने तो सबके लिए मंदिर खोले हमारे देश में, कोई भी किसी भी मंदिर में जा सकता है, मंदिर भगवान का घर है, कोई भी जा सकता है, और इस प्रकार की अगर कोई बातें करता है तो कानूनन भी उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। शरद पवार का कहना है कि अगर इंडिया गठबंधन को बहुमत मिला तो हम प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की तर्ज पर चुनेंगे, जिस पर चुटकी लेते हुए पूर्व मंत्री विज ने कहा कि गठबंधन बिना इंजन की गाड़ी है, इनकी सरकार नहीं बन सकती, ये केवल देश में शांति भंग करने के लिए चुनाव के मैदान में कूदे हुए हैं। देखिए, ये जो इंडिया गठबंधन है ये बिना इंजन की गाड़ी है, ये कहीं आ जा नहीं सकते, इसकी सरकार नहीं बन सकते, ये तो केवल देश में शांति भंग करने के लिए ये चुनाव के मैदान में कूदे हुए हैं, और बार बार कोशिश करते हैं, कभी केजरीवाल करते हैं, कभी राहुल गांधी करते हैं, कभी कोई और नेता करता है, कभी लालू प्रसाद करते हैं, ये तो अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं।